गुड इवनिंग। आज मैं मशीन के बारे में बताऊंगा जो हम जिस इंडस्ट्री में यहाँ काम कर रहे हैं और जिस मशीन को हम सुपरवाइज कर रहे हैं वो मशीन क्या है। मेरी मशीन क्या है तो डाइयों का बता दिया, माई डाई कैंपेन था, मेरी मशीन कैंपेन है, अभिप्रैत मशीन है। अब वो छोटी का लगा टाइप देखोगे तो एन नंबर ऑफ टाइप इसके मिलेंगे, बट एक सिंपली सोचना है कि केवल हमें तीन तरह की मशीनों को याद रखना है या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तीन तरह की मशीन इस्तेमाल होती है। एक न्यूमेटिक जो ये पावर प्रेस बोलते हैं, न्यूमेटिक मशीन है, एक मैकेनिकल और एक हाइड्रोलिक। पावर प्रेसेस कई तरह की होती हैं, मैकेनिकल प्रेसेस कई तरह की होती हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस कई तरह की होती हैं। तो भाई डिज़ाइन हमें कुछ नहीं करना, भाई ऑपरेटिंग प्रोसेस हमें पता होना चाहिए कि मशीन कैसे ऑपरेट करती है, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कैसे सेट करते हैं, मशीन का कौन सा भाग, कौन सा अंग क्या काम करता है, किस चीज़ से क्या ऑपरेट होता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेन तो मशीन के पार्ट्स, अभी हम न्यूमेटिक मशीन के बारे में बताएंगे, केवल न्यूमेटिक मशीन के बारे में। तो ये मशीन है, ये अगर हम फ्रेम टाइप में देखें तो सी टाइप फ्रेम है, इसको हम गैप मशीन ऑफ बोलते हैं। गैप जो सी टाइप फ्रेम है, सी क्यों बोलते हैं, इसका जो इंट्रा है स्टेट है ये स्लॉट लगा हुआ है जिसे गैप बोलते हैं, ये सी टाइप। जितनी भी ड्रेसें हैं स्टेट और सी टाइप का ये कटा रहेगा तो ये सी फ्रेम ड्रेसें बोली जाती हैं। ठीक है, अब इस सी फ्रेम में मेन मेन पार्ट क्या होते हैं, ये रैम है जिसपे डाई का ऊपर वाला हिस्सा माउंट होता है, रखा जाता है। ये बेड है, तो हमें इस बेड की लंबाई चौड़ाई मोटाई ये पता होना चाहिए, इसको बोलेस्टर बोलते हैं, इसको स्लाइड एरिया भी बोल देते हैं, रैम भी बोल देते हैं। तो स्लाइड एरिया से कन्फ्यूजन नहीं होना, स्लाइड एरिया हम लेफ्ट टू राइट अगर हम ऐसे खड़े हो जाएँ तो लेफ्ट टू राइट यानी कि लंबाई और फ्रंट की है चौड़ाई, ऐसे ऊपर का है ऐसे नीचे का, ये हमारा एस है ऑपरेटिंग स्टैंड है। इस पर तीन या चार तरह के पुश बटन होते हैं, एक स्लाइड एडजस्टमेंट के लिए, इमरजेंसी बटन, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग टू एंड है पुश बटन जिसे बोलते हैं, जिससे मशीन को कमांड जाती है। ठीक है, ये तुम्हारा स्विच है, सिलेक्टर है, स्लाइड वॉक करेंगे डाउन करेंगे, ये रीसेट वाला है। इस पैनल को स्टार्ट करो, ये जो पैनल है ना जो हमारी पीएलसी है, प्रोग्राम लॉजिक जो सर्किट है उसका पैनल है, जिसको एमएमआई बोलते हैं या एचएमआई बोलते हैं, टच स्क्रीन भी देसी भाषा में बोल देते हैं, टच स्क्रीन भी बोल दोगे तो चले कोई दिक्कत नहीं। मैन मशीन इंटरफेरेंस होता है एमएमआई या ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस, तो एमएमआई या एचएमआई या टच स्क्रीन कुछ भी बोल दो, इसमें प्रोग्राम रहता है आपका एसपीएम कितना सेट करना है, आप बोलो किस एसपीएम से चल रही है, क्या काउंटर, ये एसपीएम का है, एक मिनट होम पे लाओ, ठीक है इसका कोई बात नहीं, होम पे ले जो एसपीएम सेटिंग है इससे कर सकते हैं। अगर हम होम पे जाएं तो इस पर इनपुट हम जो देंगे मशीन को, मशीन वही आउटपुट निकालेगी, तो मैन जो है जितना जो इनपुट देगा वही जो है मशीन आउटपुट निकालेगी। तो यहाँ पे जो इनपुट ये है, आउटपुट इसका इधर आए, अलार्म जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो अलार्म इधर आ जाएगा, अलार्म की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी रहेगी। फिर हम होम पे जाएंगे, टूल सेटिंग जब करना होता है तो टूल सेटअप के आएंगे, तो और ये जॉब काउंटर का आ जाता है, और ये जब भी हम सेटिंग रीसेट ये करना है तो इस पर आ जाएगा। तो किसी भी इंजीनियर को ये पता होना चाहिए, और वो पता तब चलेगा जब वो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोई हमें बोले तब हम किसी डाई सेटर को या किसी नीचे वाले को बुला के बोले भाई ऐसे चालू कर दें, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है, और मशीन किन किन मोडों में काम करती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इंच है, ये इंच मोड है, जब भी हम डाई सेट करते हैं डाई सेट तो इंच मोड पे मशीन होनी चाहिए, ये
जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ऑफ पे होना चाहिए, जब हम स्टार्ट करेंगे। सिंगल उसको बोलते हैं, जो ऐसा टू हैंड भी बोलते हैं, जब हमारा डाई सेट हो जाती है, जब ऑपरेटिंग मोड में होता है, जब मैनुअल हम मैनुअल मोड पे से चलाते हैं, ठीक है। सिंगल क्यों बोला जाता है कि एक सिंगल प्रेस करेगा वो 90 तक प्रेस करेगा, मतलब 2 सेकंड, तो जब वो छोड़ भी देगा तो इसके बाद वो TDC पे ऑटोमेटिक रुक जाएगी, ठीक है। इंच पे क्या होता है कि जब कमांड देगा तब वो क्लच इंगेज होगी, तब रैम ऑपरेट होगी, जैसे ही छोड़ देगा रुक जाएगी, यानी कि हम 360 डिग्री जब जब कमांड देंगे तब मशीन आएगी, छोड़ेंगे तो चलेगी। वो इंच मोड सेटअप मोड होता है, उसकी हमें जरूरत सेटिंग पे टाइम पे पड़ती है। कंटिन्यूस मोड होता है आपका, ये कंटिन्यूस हो गया, जैसे फीडर लगा होता है, जब हमें ऑपरेटर नहीं चाहिए होता है, ऑटोमेशन वाली डाई लगी है, ट्रांसफर डाइयाँ जो चलती हैं, प्रोग्रेसिव डाइयाँ चलती हैं, तो उसमें हम इस मोड पर काम करते हैं। तो 3 मोड हो गए, इंच जब सेटिंग मोड, सिंगल जब ऑपरेटर मैनुअल मोड पर चला रहा है, थर्ड कंटिन्यूस मोड जब ऑटोमेटिक मशीन चलती है, ठीक है। तो ये हमारा मशीन MMI का हो गया। इसको डीपली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और ये इससे घबराओ मत, अरे तो इस चीज़ है इसमें कैसे सीखेंगे, नहीं, इसे ही सीखना है, इसे ही चलाना है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या क्या फंक्शन है, मोबाइल सीखते हैं ना, सिंपली मोबाइल में 1 महीने में 15 दिन में तुम एप्पल का फ़ोन ले लो, उसमें सब कुछ सीख जाते हैं, सिंपली है, आप इसमें सीख जाओ, बट डू इट प्रैक्टिस, ठीक है। अपने आप कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हमने आपको बैग बता दिया, HMI बता दी, मेन फंक्शन ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। तो मशीन का मैं बताऊँ, जो मेन फंक्शन होता है ना, एक लोहार जो होता है, लोहार क्या करता है, लोहे को गर्म करेगा, उसे शेप में लाएगा, कोई चीज बनाएगा ना, चाहे वो खुरपी है, हसिया है, कुदाल है, शेप में लाता है। ऐसे ही अब ये शीट है, अब आदमी इसको नहीं दबा सकता, एक बार मैं हैमिंग नहीं कर सकता कि ये शेप में आ जाए, तो मशीन डिजाइन कर ली। अब ये जो रोटरी मोशन है, जिसे मैकेनिकल पावर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू जिसमें वो चेंज होता है लीनियर मोशन में। अब लीनियर जैसे हथौड़ी चलती है ना लीनियर, तो लीनियर मोशन में चेंज कर दिया। अब चेंज करके बाहर जो बोल्ट लगा हुआ है, इसमें ये डिजाइन बना हुआ कि हमें डिजाइन टाइमों में चाहिए, तो हमने इसमें शिफ्ट कर दिया, पार्ट लगा दिया, हमने वो हैमिंग कर दी, यानी स्टेम मार दिया, स्ट्रोक से मारना बोलते हैं, और ये हमें शेप मिल गई। यही इस मशीन का मैंने पर ये प्रिंसिपली काम कैसे करती है समझना भी जरूरी है। तो प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू मैकेनिकल पावर या रोटरी पावर को लीनियर मोशन में चेंज करती है, ये तो इसका सिद्धांत हो गया, जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन जब भी एक फ्लाईव्हील से एनर्जी फ्लाईव्हील लगातार घूमता रहता है, आप जो इसकी कनेक्टिंग रॉड है रैम है, तो उससे वो एनर्जी देती है, क्लच के थ्रू इंगेज डिसंगेज, जब इंगेज होगा रैम नीचे आएगा, डिसंगेज हो जाएगा रैम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये कमांड जाती कैसे है, जो एयर का कनेक्शन है नीचे, जो ड्रम लगा हुआ है, क्लच है, तो क्लच में एक पिस्टन चलता है, तो स्प्रिंग की वजह से वो ब्रेक लगे रहते हैं, अपनी पोजीशन पे लगा लेते हैं, और जैसे ही आप कमांड देते हो, इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन, उसे एनो बोलते हैं, और नॉर्मली क्लोज। अब हमने इसे दबाया, इसको स्टार्ट कर लूँ, स्टार्ट है, समझो, जैसे ही हम इसको दबाएंगे ना, तो कमांड जाती है PLC में, सॉलिनाइट वाल्व होता है, सॉलिनाइट वाल्व होता क्या, ये भी मैं नहीं बता दूँ, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा वाल्व है जो इलेक्ट्रिक पावर वहाँ जाती है, जिसमें इंडक्शन की वजह से स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग क्या है, तब जाता है, जैसे पंखा घूमता है ना, पावर से घूमता है ना, ऐसे ही वो इंडक्शन फोर्स की वजह से वो जो है फोर्स लगता है, स्प्रिंग दब जाती है, स्प्रिंग दबने से हवा का रास्ता खुल जाता है, और हवा का रास्ता खुला तो जो क्लच है ना, क्लच में हवा लगता देती है पिस्टन में, तो वो फ्लाईव्हील वाले जो लाइनर लगे हुए हैं उससे चिपक जाता है। जैसे ही चिपका, जितनी देर चिपका, तो ये फ्लाईव्हील घूम रहा है, उसके साथ ये घूमेगा तो रैम नीचे आएगी। जैसे ही तुमने कमाल अभी चिपका हुआ है छोड़ दिया तो छूट गया, जैसे ही छूटा तो ब्रेक लग गया, ब्रेक क्यों लगता है, स्प्रिंग लगे रहते हैं, स्प्रिंग उसे चिपका
ही रहता है नीचे की तरफ से, जैसे ही प्रेशर आता है न्यूमेटिक का, हवा का, न्यूमेटिक हवा का प्रेशर, तो हवा का प्रेशर क्या करता है, पिस्टन के वॉल्व को, उसको पिस्टन को आगे धकेलता है फ्लाईव्हील की तरफ, फ्लाईव्हील की तरफ तब तक धकेले रहेगा जब तक तुम ऐसे दबाए रहोगे, जैसे ही छोड़ दिया वो अपनी पोजिशन पर आ जाता है। तो ये क्या होता है, क्लच का इंगेज और डिसंगेज, जब इंगेज रहेगा ये कनेक्टिंग रॉड फ्लाईव्हील से जुड़ गया, जैसे ही जुड़ा तो ये सिस्टम चालू तुम्हारा, जैसे ही तुमने यहाँ से छोड़ा और स्प्रिंग है वो अपनी पोजिशन पर आ जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक तुम्हारा कमांड जाती है स्प्रिंग दब जाता है, हवा चालू इंगेज, जैसे ही तुमने यहाँ से छोड़ा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई स्प्रिंग अपनी पोजिशन पर वाल्व को बंद करेगा। तो सोलेनाइड वाल्व का काम ये होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी वाल्व को ऑपरेट करते हैं। अब जब जो घरों में नल लगे रहते हैं टैप, टैप में क्या करते हैं हम मैनुअल घुमा देते हैं, वो चालू हो गया, हमने बंद कर दिया, बंद हो गया, तो हम वो कर रहे हैं काम किससे, हाथ से। अब यहाँ पे वाल्व को खोलना और बंद करना ये काम होता है इलेक्ट्रिक से, पैनल से, पीएलसी से, लेकिन वो करता कौन है, सोलेनॉइड वाल्व। वो क्या है, इंडक्शन फोर्स की वजह से कमांड जाते ही स्प्रिंग दब जाता है, रास्ता एयर का खुल जाता है, एयर जानी चालू जैसे ही हुई वैसे ही मशीन चलेगी, जैसे ही मशीन जो है आपने बंद कर दिया पावर, पावर वहाँ से बंद हुई मशीन स्प्रिंग अपनी जगह पे, मतलब उसका दरवाजा वाल्व का बंद। तो मैनुअल टैप जो हम करते हैं ना घरों में, नल, नल को खोलना, नल को बंद करना, ऐसे ही हवा को खोलना, हवा को बंद करना, ये सोलेनॉइड वाल्व का काम है और वो इन इलेक्ट्रिक कमांड की वजह से होता है। और ये जो वाल्व हैं वो हाइड्रोलिक में, पावर पैसिव में लगाए जाते हैं, वैसे ये मैकेनिकल है, सब कुछ मैकेनिकल है, इसको पावर प्रेस या न्यूमेटिक प्रेस क्यों बोलते हैं, न्यूमेटिक हवा वाले फंक्शन जहाँ पे रहते हैं ना, न्यूमेटिक बोलते हैं, इसीलिए न्यूमेटिक बोलते हैं क्योंकि जो क्लच का जुड़ना और खुलना, इंगेज और डिसंगेज जो मेन फंक्शन है वो इसका न्यूमेटिक है, तो वो सोलेनॉइड वाल्व करता है। फ्लाईव्हील आपका लगातार घूमता है, तो फ्लाईव्हील सोलेनॉइड का फंक्शन एक इधर एक्चुअल जो होता है ये हो गया। अब ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए, इसमें क्वेश्चनिंग फोर्स होता है, वहाँ पे सिलेंडर लगा रहता है, पिस्टन सिलेंडर, इसमें ऑयल रहता है, ऑयल का प्रेशर रहता है, उसके बीच में लेयर रहती है, वो वहाँ पे रहता है, सॉलिड रहेगा तो खराब हो जाएगा बॉल, ये बार बार ठोकर लगेगी खराब हो जाएगा, इसलिए वो स्टील के सिलेंडर के अंदर रहता है और उसमें उतना ही प्रेशर रहेगा जिसे हाइड्रोलिक ओवरलोड बोलते हैं, जैसे तुमने चार्ज ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसके उसी फोर्स तक उससे ज़्यादा फोर्स हुआ तो एनआरपी है वो खुल जाएगा, बाल खुल गया तो वो सिलेंडर गैस बंद हो गया, जैसे हवा निकल जाती है ना टाइम से जगह बन जाती है, जैसे यहाँ पे हवा निकल जाती है तो ये जगह बन जाती है, वही रहता है, ठीक है। वहाँ तुम्हारा वहाँ लगा हुआ है एचयूएल, तो तुम्हें एचयूएल का ही पता होना चाहिए, एचयूएल का पता होना चाहिए, मैंने बता दिया एचएमआई का पता होना चाहिए, लाइटिंग क्या कर रहा है उसका पता होना चाहिए, रॉड का पता होना चाहिए, करंट बैलेंसर है ये, बैलेंस ये सपोर्ट ऊपर की तरफ होता है इसको बैलेंस करे रहता है, ये स्लाइड है इसमें जो वो लुब्रिकेशन चलता है, इसका इंजीनियर कितना है, प्ले नहीं है, प्ले है नहीं, ये पहले इसका यहाँ से चारों कोनों में बैलेंस कितना है, गैप तो नहीं है, ये तुम्हारा 0-0 होना चाहिए, 0-0 होता नहीं है, इसकी रेंज है ए टाइप मशीन, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो एक ग्रेड का 1 मीटर में 0.1 से 1 मीटर का 1.1 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है, वो डाई पे अफेक्ट करेगा, तो तुम्हें डाई पे भी, डाई के बारे में मैं बता दूँगा, डाई में भी फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया मैकेनिकल पावर प्रेस का, अब हम नेक्स्ट मैकेनिकल प्रेस का बताएंगे। अच्छा, इसमें जो अंतर है मैकेनिकल और इसमें मैकेनिकल में और न्यूमेटिक में, मेन अंतर क्या है, इस मशीन को हम 360 डिग्री कहीं भी रोक सकते हैं, इंच रोड मैकेनिकल में ऐसा नहीं कर सकते, एक बार कमांड गई तो पूरा राउंड मार के ही आएगी चाहे कुछ भी करें, इसको हम पीएलसी के थ्रू यहाँ से सेफ्टी गार्ड दे सकते हैं, सेफ्टी दे सकते हैं, रुक जाएगी मशीन किसी भी पोजिशन में, वहाँ क्लच का इंगेज देखेंगे, जब भी दबाएंगे तो नीचे आएगी, छोड़ देंगे छूट जाएगा, तो मैंने भी बताया। तो ये है फंक्शन, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, ब्रेन के अकॉर्डिंग मशीनों में कैसे चलता है हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो
अगला रहेगा हमारा मैकेनिकल प्रेस का, ठीक है, समझ आया, ठीक है, थैंक यू।